गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था, दैट इज जेके फ्लिप फ्लॉप और उसकी करेक्टरिस्टिक्स ट्रू टेबल, करेक्टरिस्टिक्स टेबल एंड करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो यहाँ पे जो टेबल बनी हुई है जेके फ्लिप फ्लॉप की है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पर दो कंडीशन होंगी क्लॉक की, आइदर द क्लॉक इज ट्रिगर्ड और नॉट ट्रिगर्ड। तो अगर क्लॉक ट्रिगर नहीं होता है तो फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है, ये यूनिवर्सल है। तो इन ऑर्डर टू get the output from the flip flop, we need to trigger it. So if there is no trigger, whatever may be the input J or K, don't उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आउटपुट जो होगा वो अपनी प्रीवियस स्टेट में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम ट्रिगर देते हैं तो फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करेगा। तो चेंज करने पर हमारे पास अगर दो इनपुट हैं तो पॉसिबल चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, 00, 01, 10 एंड 11। तो ये ऑलरेडी ये कंडीशन हम लोग नोन है, स्टार्टिंग की तीन, एक दो चार और ट्रिगर नॉट ट्रिगर वाली, ये SR फ्लिप फ्लॉप में भी थी, वही JK फ्लिप फ्लॉप में है। SR फ्लिप फ्लॉप में एक ड्रॉबैक था कि जो फोर्थ कंडीशन है कि जब S और R की वैल्यू 1-1 हो जाए तो वो इनवैलिड होती थी। उस इनवैलिड कंडीशन को वैलिड करने के लिए SR फ्लिप फ्लॉप में कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया गया और उसको कन्वर्ट किया गया JK फ्लिप फ्लॉप में। तो ये कंडीशन जो इनवैलिड थी, 1-1 कंडीशन लगाने पर JK फ्लिप फ्लॉप में ये कंडीशन वैलिड हो जाती है, लेकिन टॉगल स्टेट कहलाता है। टॉगल स्टेट का मतलब कि इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, फिर अगर इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट 0 मिलेगा। तो ये 1 0 1 0 का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा विदाउट एनी स्टॉपेज। तो सच टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज, जिसमें टॉगलिंग है, जो रुकता नहीं है, जो कंटिन्यूस आता जा रहा है, मतलब 1 0 1 0 1 0 सॉर्ट ऑफ रेस 1 0 1 0 के अंदर लगी हुई है। इस टाइप ऑफ कंडीशन को बोला जाता है रेस अराउंड कंडीशन। तो इससे ये पता चला कि ये रेस अराउंड कंडीशन जो है कि कहाँ कब अकर करती है। तो पहली स्टेट में हमें समझ में आ रहा है कि रेस अराउंड कंडीशन अकर्स ओनली इन JK फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि SR फ्लिप फ्लॉप में S=1 R=1 तो इनवैलिड स्टेट होता था, लेकिन JK फ्लिप फ्लॉप में जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तो वो टॉगलिंग करेगा। टॉगलिंग का मतलब 1 0 0 1 0 1 0 1 0 या 0 1 0 1 0 1 आता रहेगा कंटिन्यूसली विदाउट एनी स्टॉपिंग। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो रेस अराउंड कंडीशन जो है वो JK फ्लिप फ्लॉप में ही अकर करेगी, पहली चीज़। दूसरी, अब फ्लिप फ्लॉप है तो उसको ट्रिगरिंग करना है, तो ट्रिगरिंग करने के लिए आपको जो JK फ्लिप फ्लॉप है वो यूजुअली लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होता है, इसलिए रेस अराउंड कंडीशन जो है वो लेवल ट्रिगरिंग में ही अकर करेगी। इट अकर्स ऑनली लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप। तो लेवल ट्रिगर JK फ्लिप फ्लॉप में अकर करेगा। तो ट्रिगरिंग भी आपको दो टाइप की बताई थी, हाई एक लेवल ट्रिगरिंग होता है, एक एज ट्रिगरिंग होता है। लेवल ट्रिगरिंग दो टाइप की होती है, हाई लेवल और लो लेवल, मतलब या तो आप 1 देंगे या 0 देंगे। एज ट्रिगरिंग भी दो टाइप की होती है, तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो यहाँ पे एज ट्रिगरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं लेवल ट्रिगरिंग की। लेवल ट्रिगरिंग होगा तो ही रेस अराउंड कंडीशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। थर्ड कंडीशन जो यहाँ पे हमें को मिलती है, वो थर्ड कंडीशन हमें पता चलता है कि कब ये मिल रहा है। इट रेस अराउंड कंडीशन अकर्स ओनली व्हेन J=K=1, यानी जब ये फोर्थ कंडीशन आएगी। जब ये फोर्थ कंडीशन आएगी तो ही हम लोग का ये लेवल ट्रिगरिंग अकर होगा, दिस वन। इट मींस फ्लिप फ्लॉप इज इन टॉगल मोड। जब टॉगल मोड में होगा तो ही ये रेस अराउंड कंडीशन एग्जिस्ट होगी। और चौथी कंडीशन है, जिसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं, कि व्हेन TW इज ग्रेटर देन TD, तब रेस अराउंड कंडीशन आएगी। वेयर TW इज विड्थ ऑफ द क्लॉक, मतलब कितने समय के लिए कितना क्लॉक आप दे रहे हैं, दैट इज द विड्थ ऑफ द क्लॉक जो है वो TW है। एंड TD इज द टाइम डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। देखो टाइम डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है। देखो फ्लिप फ्लॉप इज व्हाट, बेसिकली मैंने इनिशियली बताया था कि फ्लिप फ्लॉप जो भी होगा वो क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सर्किट। मतलब कॉम्बिनेशन सर्किट को क्लोज लूप में कन्वर्ट कर दें तो वो सिक्वेंशियल सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप इज ए सिक्वेंशियल सर्किट,
और सिक्वेंशियल सर्किट कब बनता है, जब कॉम्बिनेशनल सर्किट को का आउटपुट को इनपुट में हम लोग जोड़ देते हैं और वो नंबर को किसी आउटपुट को हम लोग सेव करके रखते हैं फॉर सर्टेन पीरियड, तो वो सिक्वेंशियल सर्किट बन जाता है। और फ्लिप फ्लॉप बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट का ही पार्ट है। कॉम्बिनेशन सर्किट्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट्स में क्या होते हैं, गेट्स लगे होते हैं। अब गेट्स कोई भी हो सकता है, जैसे हमने नैंड गेट नॉर गेट यूज़ करके बनाए हैं वो फ्लिप फ्लॉप। अब गेट्स क्या होते हैं, गेट्स के अंदर एक्टिव कंपोनेंट या पैसिव कंपोनेंट से इंटीग्रेट करके आईसीज बनाई जाती हैं। तो एक्टिव पैसिव कंपोनेंट इज़ व्हाट, एक्टिव कंपोनेंट आपको जैसे फॉर एग्जांपल बीजेटी है, ट्रांजिस्टर है, फैट है, या यूजेटी है एक्सेट्रा, दीज आर द सेमी कंडक्टर डिवाइसेज यूज टर्म्ड एज एक्टिव कंपोनेंट, या डायोड है सिंपल वर्ड में डायोड है। तो ये सब क्या है, एक्टिव कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर। तो ये सब को किसी आईसी में इंटीग्रेट करके, आईसी के फॉर्म में इंटीग्रेट करके हम लोग क्या बना लेते हैं, फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं। अलग अलग आप मार्केट में जाओगे आपको गेट थोड़ी लगाना, आप आईसी नंबर बोलोगे मैं ये आईसी चाहिए ये आईसी चाहिए, तो रिप्रेजेंट सर्टेन फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये आपको पता है कि ये बीजेटी, ये एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट क्या है, इसको सप्लाई चाहिए ऑपरेट करने के लिए। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसको ऑन होने के लिए अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट चाहिए, जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट चाहिए, है ना, ये बेसिक चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो उतना समय तो लेगा वो ऑन होने के लिए, जब वो ऑन होगा तो इसका मतलब गेट्स ऑन होंगे, गेट्स ऑन होंगे तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन सर्किट एक्टिव होगा, कॉम्बिनेशन सर्किट एक्टिव होगा इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा। तो कुछ तो समय लगेगा फ्लिप फ्लॉप को ऑन होने में, दैट समय इज नोन एज टाइम डिले। तो अगर हम इस समय को रिड्यूस करते हैं तो हमारा ऑपरेशन क्या होता है, फास्ट होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है टाइम डिले का, कि अगर हम बोलते हैं तो हमारा प्रोसेसर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अच्छा कब होता है, जब उसकी ऑपरेटिंग स्पीड जो है वो ऑन एंड ऑफ जो टाइम है फास्ट हो, मतलब जल्दी ऑन हो जल्दी ऑफ हो। से फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल में कोई ऐप यूज़ करते हैं, कोई ऐप हम क्लिक करते हैं तो ओपन होने में टाइम लेती है, तो इसका मतलब उसका टाइम डिले बहुत ज़्यादा है। तो हम उसको प्रेफर नहीं करते हैं, हम वो हमें चाहिए कि हम सर्टेन क्लिक करें हमारे पास स्क्रीन पे विजिबल हो जाए, तो उसका टाइम डिले क्या होता है, कम होता है। तो हम बोलते हैं कि जिसका टाइम डिले कम होगा वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो यही चीज़ है, टाइम डिले हुआ तो यानी ऑन ऑफ, ऑन होने का टाइम समय जो हुआ फ्लिप फ्लॉप बिट ऑफ द क्लॉक हुआ, ये सब। अगर बिट ऑफ द क्लॉक इज़ ग्रेटर दैन टाइम डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप तो हमारा रेस ऑन कंडीशन एग्जिस्ट करेगा। देखिए कैसे, अब देखिए सपोज हमारे पास ये फ्लिप फ्लॉप है जे के फ्लिप फ्लॉप और ये इनपुट है जे इज इक्वल टू वन के इज इक्वल टू वन, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं क्लॉक। क्लॉक क्या है, हमारा लेवल ट्रिगर क्लॉक है। इससे आउटपुट मिलेगा आपको क्यू वन, और यहाँ से आउटपुट मिलेगा आपको क्यू वन बार। तो अब हमारे पास क्लॉक पल्स अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्लॉक पल्स है, इसी टाइप का क्लॉक पल्स हम लोग को मिल रहा है। तो ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोल रहे हैं आप टी डी, यानी फ्लिप फ्लॉप के ऑन होने का समय। दिस इज टी डब्ल्यू विड्थ ऑफ द क्लॉक, क्योंकि अगर हमने अगर एस्ट लेवल ट्रिगर दिया है, सपोज हाई लेवल ट्रिगर मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यानी वन पे एक्टिव होगा, वन पे एक्टिव होगा यहाँ पे, फिर वन पे एक्टिव होगा। तो ये दैट इज़ द विड्थ ऑफ द फ्लिप फ्लॉप क्लॉक टी डब्ल्यू, ठीक है। और ये है इसका टाइम पीरियड एक साइकिल से लेके यहाँ तक, टाइम पीरियड है क्लॉक का एक कंप्लीट साइकिल का। अब ये फ्लिप फ्लॉप जो ऑन होगा उसका सर्टेन टाइम है टी डी, तो सपोज वो फ्लिप फ्लॉप जो ऑन हो रहा है वो इस समय पे ऑन होता हो टी डी इतना, दिस इज टी डी, इतना समय उसको मिल रहा है ऑन होने के लिए, सिर्फ इतना। यानी यहाँ से जीरो से आपने सप्लाई दी, वो वोल्टेज जीरो से 0.3 0.7 या और इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होके वो इतने समय में ऑन हुआ, यानी इतना तो पोर्शन मिस हो गया। जब वो ऑन हुआ तो उसने क्लॉक ले ली, उसको क्लॉक मिला, क्लॉक मिलते उसका स्टेट जो जीरो था आउटपुट, अब वो क्या मिल गया, वन मिल गया। अब ये तो क्लॉक ऑलरेडी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो क्लॉक कंटिन्यूसली है, यानी तब तक इसको आपको आउटपुट देता रहेगा क्योंकि ये ऑन हो गया। तो जब तक ये क्लॉक चलता रहेगा तब तक ये वन है, अभी क्लॉक तो चलता ही रहेगा, फिर ये इसको टाइम डिले तो ऑन ही है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट मान लो एक आउटपुट आपको यहाँ मिला वन, फिर नेक्स्ट आउटपुट मिला आपको यहाँ पर ज़ीरो, फिर क्योंकि क्लॉक तो चलता जा रहा था, क्लॉक का समय यहाँ से यहाँ तक है,
तो फिर वो वन दे देगा, फिर क्या करेगा, जीरो दे देगा, फिर वन देगा, फिर जीरो देगा। तो ऐसे करके आपको एक बार वन मिला, एक बार जीरो मिला, फिर वन मिला, फिर जीरो मिला, फिर वन मिला, ये कंटिन्यूस यहाँ से यहाँ तक आपको आउटपुट मिलता जा रहा है। सपोज एक एक नैनो सेकंड पर मिला, फिर दो नैनो सेकंड पर मिला, फिर तीन नैनो सेकंड पर मिला, फिर चार नैनो सेकंड पर मिला, फिर पाँच नैनो सेकंड, तो पाँच नैनो सेकंड में आपको पाँच आउटपुट मिल गए फ्लिप फ्लॉप पर, क्योंकि कंटिन्यूस लेवल आपको यहाँ पर मिल रहा है ट्रिगरिंग का। और कंटिन्यूस लेवल पर टी डी तो ऑन है ही, यानी वो ऑन तो रहेगा ही, ऑफ तो होगा नहीं, तो क्योंकि फ्लिप फ्लॉप एक बार ऑन हुआ और उसको कंटिन्यूस अगर क्लॉक मिलता रहेगा तो वो अपनी स्टेट चेंज करता रहेगा। यही हम लोग जानते हैं कि क्लॉक अगर मिलता है तो फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, तो फ्लिप फ्लॉप मतलब यहाँ तक मिला, जैसे लेवल ज़ीरो हुआ क्लॉक चला गया, आउटपुट रुक गया, रुक गया तो कुछ समय के लिए आउटपुट नहीं मिला स्टेबल। जैसे ही ये क्लॉक आया तो फ्लिप फ्लॉप दोबारा से ऑन होगा टी डी टाइम में, जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज़ टी डब्ल्यू, ये तो है ना उसको विड्थ ऑफ द क्लॉक, तो इतना तो उसको क्लॉक कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो इतना क्लॉक जब तक मिलता रहेगा तो उसका आउटपुट वन से ज़ीरो या ज़ीरो से वन, वन से ज़ीरो या ज़ीरो से वन कंटिन्यूसली फिर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जब तक ये टी डब्ल्यू का समय इस टी डी के समय से ज़्यादा है तब तक आपको ये रेस अराउंड कंडीशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, सपोज अगर इसी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक और मैं वेव बना देता हूँ पल्स, ये टी डब्ल्यू है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगरिंग क्या करते हैं हम लोग, एज ट्रिगरिंग कर देते हैं। फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्या कर देते हैं, एज ट्रिगरिंग कर देते हैं, आदर पॉजिटिव एज कर दो या क्या कर दो निगेटिव एज ट्रिगरिंग कर दो, कोई भी ट्रिगरिंग कर दो। तो अगर हम इसको ए पॉजिटिव या निगेटिव एज ट्रिगरिंग करते हैं तो क्या होगा, तो ये जो समय है इतना लंबा ड्यूरेशन टी डब्ल्यू वो तो अब लैप्स हो जाएगा, यानी जैसे ही ये स्टेट इस पे ज़ीरो से वन की तरफ जैसे ही आएगा, स्टेट चेंज हो रही होगी तभी वो ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा। यानी वो अपना स्टेट इसी लेवल पे चेंज करेगा, वो लेवल तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, ज़्यादा समय का नहीं है। मान लो ये टोटल पाँच, यहाँ पे टोटल पाँच नैनो सेकंड का क्लॉक पड़ था, ये थोड़ी पाँच नैनो सेकंड का होगा, ये तो उसका एक नैनो सेकंड का होगा, क्योंकि तो स्टेट चेंज हो रहा है, बस जीरो से किधर जाना है, वन की तरफ जाना है, यानी ऑन से ऑफ होना या ऑफ से ऑन की तरफ जाना है, या वन से किधर आना होगा, जीरो की तरफ आना होगा। तो ये मैक्सिमम बहुत कम समय के लिए होगा, तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो टाइम डिले होगा फ्लिप फ्लॉप का इस कंडीशन में, एज ट्रिगरिंग में, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, जो टाइम डिले होगा यानी ऑन होने का जो समय होगा फ्लिप फ्लॉप का वो बहुत कम है, क्योंकि आधा पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन बहुत मिनिमम है। तो वो टाइम डिले जो होगा इस ग्रेटर देन विच वो बहुत कम होगा इससे क्लॉक वर्ड से टी डब्ल्यू से। तो टी डब्ल्यू जब कम हो जाएगा टी डी से तो हमारा ये रेस राउंड कंडीशन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए रेस राउंड कंडीशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग लेवल ट्रिगर की जगह कौन सा ट्रिगर यूज़ करते हैं, एज ट्रिगर। ठीक है, तो जैसे अभी अंडरस्टूड है, ज़्यादा समय के लिए अगर क्लॉक मिलेगा तो वो कंटिन्यूस टॉगल करता रहेगा, हम इस क्लॉक को जो समय जो उसको मिल रहा है क्लॉक का उसको अगर रिड्यूस कर दें तो वो कंटिन्यूस टॉगल नहीं करेगा, वो एक बार करेगा स्टेट चेंज करेगा, इतना में उसको दूसरा क्लॉक मिलेगा, वो रुक जाएगा क्लॉक। यानी जैसे यहाँ पे आया, ये वाला क्लॉक दिया हुआ था, यहाँ पे क्लॉक करते टॉगल किया, जीरो से वन हुआ, अचानक ये लेवल आ गया, ये लेवल आते फ्लिप फ्लॉप अपना आउटपुट नहीं देगा, ये लेवल पर भी नहीं देगा, ये लेवल पर नहीं देगा, अब कब देगा, इसी लेवल पर देगा। जैसे ही एज ट्रिगरिंग आएगी ये वाली, तब वो फिर फ्लिप फ्लॉप चेंज करेगा जीरो टू, यहाँ पर हुआ था वन से जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो टू वन। तो कब तक, यहाँ से तक आएगा तो खत्म हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप, अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा क्योंकि हाई लेवल ट्रिगरिंग आ गई, यहाँ पे ये वाली ट्रिगरिंग नहीं होगी तो यहाँ पे भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट जब फिर आएगा साइकिल और ये वाला पल्स मिलेगा तभी वो ट्रिगर करेगा। तो रेस राउंड कंडीशन को ख़त्म करने के लिए लेवल ट्रिगरिंग की जगह कौन सा ट्रिगरिंग को यूज़ किया जाता है, एज ट्रिगरिंग को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम टेक्निकली कैसे बोलें कि अगर टी डी पल्स को रिड्यूस कर दें, टाइम डिले यानी क्लॉक विड्थ ऑफ द क्लॉक को रिड्यूस कर दें, विड्थ ऑफ द क्लॉक को रिड्यूस कर दें तो हमारा रेस राउंड कंडीशन खत्म हो जाता है। और वेट ऑफ द क्लॉक कब रिड्यूस होता है, जब हम लेवल ट्रिगर से हटा के एज ट्रिगरिंग पर कर लेते हैं। अंडरस्टैंड, दिस इज आवर रेस राउंड कंडीशन एलिमिनेट्स। और फर्दर भी हैं तो क्या है देखते हैं, रेस राउंड कंडीशन को हाउ टू रिमूव रेस राउंड कंडीशन।
तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं रेस राउंड फिनिशर को रिमूव करने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वी यूज एज ट्रिगरिंग, इंस्टेड ऑफ लेवल ट्रिगरिंग। तो एज ट्रिगरिंग यूज करने से क्या होगा, विड्थ ऑफ द टाइम, विड्थ तो जो क्लॉक का वो रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारे साथ टॉगल करने के लिए कंटिन्यूस टाइम उसको नहीं मिलेगा। दूसरा, हम लोग इस फ्लिप फ्लॉप की जगह एक नया फ्लिप फ्लॉप बना देते हैं जिसका नाम है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो यूज टू रिमूव द रेस अराउंड कंडीशन। अभी देखेंगे हम लोग, सिर्फ जेके में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया जाता है, एक दो फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, एक फ्लिप फ्लॉप को मास्टर बोलते हैं, दूसरे फ्लिप फ्लॉप को स्लेव बोलते हैं, और वो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके हम लोग इस ट्रिगरिंग को, इस रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करते हैं। और तीसरा, उसको इसी चीज़ को मैथमेटिकली लिखते हैं, अगर टाइम डिले इज ग्रेटर देन टी डब्ल्यू, फ्लिप फ्लॉप के ऑन होने का समय क्लॉक से बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसको कंटिन्यूस स्पेस क्लॉक नहीं मिलेगी ताकि वो स्टेट चेंज कर सके, तो इस कंडीशन में हम लोग रेस अराउंड कंडीशन को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये भी बता चुके हैं, अभी इसको डिस्कस करते हैं। इसी के साथ आपका रेस अराउंड कंडीशन के साथ साथ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का जो ब्लॉक, जो सर्किट है, वो किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। मैंने जैसे आपको बोला उसमें दो फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, तो यहाँ पर दो फ्लिप फ्लॉप बना देते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप को मास्टर बोलेंगे, एक फ्लिप फ्लॉप को सेव बोलेंगे, होगा जेके कई पार्ट, इसको जे एम बोल देते हैं, मास्टर इसको स्लेव बोल देते हैं, जे एस या के एस। मास्टर फ्लिप फ्लिप फ्लॉप, मास्टर और ये स्लेव, अब इसके दो इनपुट होंगे, इसका आउटपुट इसके इनपुट में जुड़ा होगा, फाइनल आउटपुट यहाँ से आपको मिलेगा। फाइनल आउटपुट वही होगा जो पहले था, एक क्यू एन होगा, तो एक क्या होगा, क्यू एन बार। अब इसको क्लॉक देना है, तो इसको क्लॉक देने के लिए यहाँ से क्लॉक लेंगे, ये कब ऑपरेट करेगा, जब जे इज इक्वल टू वन और के इज इक्वल टू वन, क्योंकि हम लोग एज ट्रिगरिंग को, इसको रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव कर रहे हैं। रेस अराउंड कंडीशन आती है कब, जब जे और के की वैल्यू वन पे होती है। तो यहाँ से इसको कनेक्शन को एक गेट लगाते हैं, ये कौन सा गेट लगाते हैं, नॉट गेट लगाते हैं, यहाँ पर जो रखते हैं। तो अब जो इतना सर्किट बना आपका, इतना सर्किट कहलाता है आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, मतलब जेके फ्लिप फ्लॉप, दो जेके फ्लिप फ्लॉप को जोड़ के मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। और जेके फ्लिप फ्लॉप को तो आप जानते हैं इंटरनल सर्किट कैसा होता है, इंटरनल सर्किट अगर याद हो आपको तो वो हम लोगों ने ऐसे बनाए थे, कॉमन क्लॉक दे देते थे, ये जे, ये के, ये क्लॉक, एक आउटपुट इससे जोड़ा जाता था, ये क्यू एन, और ये होता था क्यू एन बार, और ये आउटपुट इससे जोड़ा जाता था। ये थ्री इनपुट का एंड गेट यहाँ पर लगता था, ये एंड गेट था। तो ये इसी चीज़ को डब्बे में जब बनाते हैं तो इस तरीके से बनता, जे के क्यू एन, क्यू एन प्लस, और यहाँ पे क्लॉक, वही चीज़ है। यानी इसके इंटरनल सर्किट में ऐसे सर्किट्स होंगे, गेट लगेंगे, ऐसे अरेंजमेंट लगेंगे। अगर इसी को ऐसे बनाना तो क्या करना है, ये क्लॉक लेना है, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा देना है, और ये क्लॉक ऐसे ही, एक और डायग्राम बनेगा आगे सेम तरीके का, उसको एक इनपुट में यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है क्लॉक करने।
तो ऐसे टाइप का जो सर्किट बनेगा जिसमें, तो उसको बोलते हैं मास्टर स्लेव की। इसमें एक मास्टर हुआ, एक स्लेव हुआ, यहाँ पे नॉट गेट लगाया। अब आप फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानते हैं कि जब क्लॉक आता है तभी वो अपनी स्टेट चेंज करता है, अदरवाइज अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। सपोज तो यहाँ पे क्लॉक ज़ीरो है तो ये नेट गेट लगा हुआ है, तो इस फ्लिप फ्लॉप को तो ज़ीरो मिलेगा, यानी इस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो चेंज नहीं होगा क्योंकि ट्रिगरिंग नहीं है। लेकिन जब यहाँ ज़ीरो है तो यहाँ पे इस नॉट गेट से कन्वर्ट होकर यहाँ पे क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करेगा, तो अगर यहाँ वन है तो इसका फाइनल आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा, तो इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। जब ये ज़ीरो होगा तो ये क्या होगा, वन। अब अगर आप क्लॉक को ज़ीरो से क्या कर दें, वन कर दें, तो यहाँ आउटपुट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी ये वाला फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करेगा, तो अंदर चेंज होगा लेकिन आउटपुट पे कोई फ्लिप फ्लॉप चेंज और आंसर चेंज नहीं होगा। उससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो आई है, ज़ीरो इस क्लॉक को, इस फ्लिप फ्लॉप को मिल रहा है, और जब ये इस फ्लिप फ्लॉप को मिलेगा तो यही फाइनल आउटपुट दे रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा मास्टर। मास्टर के चेंज होने से आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, स्लेव पे अगर कोई आउटपुट चेंज होगा, इसको अगर क्लॉक वन मिलेगा तो उसका आउटपुट चेंज होगा। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मास्टर से फ्लिप फ्लॉप में, कैन से मास्टर से फ्लिप फ्लॉप एट ए टाइम वन फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड, और इस मास्टर से फ्लिप फ्लॉप में आप देखें एक ही बार में एक ही फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड होगा, या तो ये ऑन होगा या ये ऑफ होगा। लेकिन जो फाइनल आउटपुट मिलेगा, द आउटपुट ऑफ मास्टर फ्लिप फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू द आउटपुट ऑफ स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसका जो हम लोग लिख सकते हैं कि मास्टर से फ्लिप फ्लॉप में अगर हम लिखें कि इन मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप एट ए टाइम वन फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड, एक ये पॉइंट है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जैसा आप देख रहे हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप मास्टर इज ऑलवेज लेवल ट्रिगर्ड, मास्टर जो होगा उसको हम लोग हमेशा लेवल ट्रिगर करेंगे, एंड स्लेव इज ऑलवेज एज ट्रिगर्ड। थर्ड आप देखिए जो आउटपुट मिलेगा, फाइनल आउटपुट, आउटपुट ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू द आउटपुट ऑफ स्लेव फ्लिप फ्लॉप। सारी ट्रुथ टेबल या करेक्टरिस्टिक टेबल सेम होगी जो कि जेके फ्लिप फ्लॉप की होगी, क्योंकि इनपुट पे अगर आप देखें एक ऑल टुगेदर से डब्बे में बंद कर दें तो आपको ऐसे ही दिखेगा। तो यानी एक इनपुट जे होगा, के होगा, क्लॉक होगा, उसके अंदर दो फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे, आउटपुट की और क्यून बार ही होगा, तो ऐसे ही आउटपुट मिलेगा इसका। यानी तो इस केस में क्या होगा कि जैसे अभी समझ लीजिए कंडीशन तो सब सेम होंगे जैसे प्रीवियस में थी, क्लॉक जे के होल्ड, ये नो ट्रिगर पर नो जीरो वन जीरो इसकी बात कर रहे थे, क्योंकि इसमें रेस राउंड कंडीशन आ रहा था, उसको ख़त्म करना था, जो टॉगलिंग थी उसको रोकना था। उसको रोकने के लिए क्या किया, अगर दोनों क्लॉक जे और के को बंद दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब जे और के को बंद दिया तो अगर क्लॉक आपका ज़ीरो है, अगर क्लॉक एक आपको ज़ीरो मिला तो ये फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज नहीं होगा, ये फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज नहीं होगा, या फिर नो चेंज होगा, नो चेंज इन आउटपुट, बिकॉज फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक नहीं मिला तो आउटपुट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको ज़ीरो मिलने से, इस नॉट गेट की वजह से, अगर यहाँ ज़ीरो था तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन होगा, तो ये इसको क्लॉक को मिला जो कि एज ट्रिगरिंग थी, यानी ये फ्लिप फ्लॉप आउटपुट क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर वो ये इनपुट वन था, वो प्रीवियसली ज़ीरो थी, तो उसको क्या कर देगा, उसको चेंज कर क्या कर देगा, वन कर देगा। जब ये वन हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि क्यू वन और क्यू बार के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। अब आपको फिर चेंज करना है तो आपको ये वैल्यू चेंज करनी होगी, यानी ये आउटपुट को चेंज करने के लिए यहाँ पर अगर वन देंगे तो ये वन होने से इसके अंदर चेंज आएगा, इसका आउटपुट चेंज होगा, लेकिन उस टाइम इसका आउटपुट चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पे आपको इनपुट चेंज हो सकता है लेकिन आउटपुट पे कोई चेंज नहीं होगा। ये आउटपुट तभी चेंज होगा जब आपको इस पे क्लॉक मिलेगा, और इस पे क्लॉक कब मिलेगा, जब यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो। तो ये ज़ीरो होने से ये वन होगा, तभी इसका आउटपुट चेंज होगा।
तो इसलिए मैं लिखा थर्ड पॉइंट में कि आउटपुट जो होगा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटपुट ऑफ द स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो ये आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हुआ। तो ये जो फाइनल है ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर के लिए ही और डाउट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप और अदर डिफरेंट टाइप का फ्लिप फ्लॉप, BA फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप के लिए, क्योंकि SR JK की एक्साइटेशन स्टडी, डी और टी फ्लिप फ्लॉप की कंफिग्रेशन एक्साइटेशन को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, इफ यू एंजॉय द सेशन, इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।